नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल हमारे क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परागण के बारे में, यानी जो परागण के प्रश्न हैं वो सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न ज़रूर आते हैं और डायरेक्ट ये प्रश्न पूछता है किसी फसल का नाम देकर कि इस फसल में कौन सी परागण क्रिया पाई जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली जो सारी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हम इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर हमेशा ही प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। होने को कुछ भी हो जाए चाहत अब बस तेरी है, होने को कुछ भी हो जाए चाहत अब बस तेरी है, मंजर में रोड़े कितने हों मंजिल हमको लेनी है, मंजर में रोड़े कितने हों मंजिल हमको लेनी है, न एजी का गम है न जीके की खुशी, न एजी का गम है न जीके की खुशी, हमको बस चाहिए है कृषि पर्यवेक्षक की कुर्सी। तो आपका टारगेट और हमारा ध्येय केवल कृषि पर्यवेक्षक है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास परागण। परागण, तो सबसे पहले तो हम परागण के बारे में जान लेते हैं कि परागण क्या है। देखिए मैं बात कहूँ, दो प्रकार के भाग होते हैं पुष्प में, एक नर भाग और एक मादा भाग। नर भाग को हम कह देते हैं पराग कण और मादा भाग का जो प्रतिनिधित्व करता है उसको हम कह देते हैं वर्तिका। नर भाग क्या होता है पराग कण और मादा भाग क्या होती है वर्तिका। तो जब पराग कण इस वर्तिका पर जाकर के गिरते हैं, यानी पराग कण के वर्तिकाग्र पर गिरने या मिलने की क्रिया क्या कहलाती है परागण कहलाती है। पादपों में पराग कण और वर्तिका के मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं परागण कहते हैं। मनुष्य में इसे निषेचन भी कह देते हैं और पादप में भी हम इस क्रिया को निषेचन कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे परागण की प्रकार। प्रश्न पूछे जाते हैं परागण के प्रकार से कि कौन से पादप में कौन सी परागण क्रिया पाई जाती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कौन से पादप में कौन सी परागण की क्रिया पाई जाती है। तो देखिए हम सबसे पहले अगर परागण की बात कहें, जो परागण क्रिया है वो तीन प्रकार की होती है। ये परागण तीन प्रकार से होता है, एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण और एक होता है बहुधा परागण। एक स्वपरागण, एक परपरागण और एक बहुधा परागण। स्वपरागण में क्या होता है उसी पुष्प का नर और उसी पुष्प की मादा होती है। परपरागण में क्या होगा एक पुष्प का नर और दूसरे पुष्प की मादा होगी। अब हम बहुधा परागण की बात करें तो इसमें एक पुष्प के हो सकते हैं और दोनों पुष्प के हो सकते हैं, दोनों ही क्रियाएँ इसमें हो सकती हैं। लेकिन अब देखो हम एग्ज़ाम की दृष्टि से बात कर रहे हैं, हमारा टारगेट सुपरवाइज़र 2021 है, तो हम उसी टारगेट को लेकर चलते हैं कि वहाँ प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपरागित फसलें, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, स्वपरागित फसलें। और स्वपरागित फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनमें 95% स्वपरागण और 5% या इससे कम परपरागण पाया जाता है। वे फसलें जिनमें 95% स्वपरागण और 5% परपरागण पाया जाता है उनको हम स्वपरागित फसलें कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो कि स्वपरागित फसलों में कितने प्रतिशत परपरागण पाया जाता है, तो 5% या इससे कम परपरागण पाया जाता है। आगे मैं बात कहूँ स्वपरागण का कारण, स्वपरागण किस कारण से होता है। तो स्वपरागण के दो कारण होते हैं, एक हम बात करें क्लिस्टोगेमी और एक हम बात करें चेस्मोगेमी। इन दोनों से प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से क्लिस्टोगेमी पादप कौन सा है और निम्नलिखित में से चेस्मोगेमी पादप कौन सा है। तो हम क्लिस्टोगेमी की बात कहें तो क्लिस्टोगेमी ऐसे पादप होते हैं जिसमें पुष्प नहीं खिलते, ऐसे पादप जिनमें फूल नहीं खिलते हैं उनको हम क्या कह देते हैं क्लिस्टोगेमी पादप। जैसे मैं बात कहूँ गेहूँ, धान, जो गेहूँ है, धान है, जो है और जई है, ये ऐसे पादप हैं जिनमें पुष्प नहीं खिलते हैं। तो ये किस वर्ग के पादप हैं क्लिस्टोगेमी वर्ग के पादप में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से क्लिस्टोगेमी पादप का उदाहरण है तो ऐसे पादप जिनमें पुष्प नहीं खिलते हैं वो क्या कहलाते हैं क्लिस्टोगेमी पादप कहलाते हैं। और पुष्प नहीं खिलेंगे तो इनमें परपरागण की क्रिया होगी नहीं, केवल क्या पाया जाएगा स्वपरागण पाया जाएगा। आगे हम बात में चेस्मोगेमी,
चेस्मोगेमी ऐसे पादप होते हैं जिनमें पुष्प तो खिलते हैं लेकिन निषेचन के बाद पुष्प खिलते हैं। किसके बाद? निषेचन के बाद पुष्प खिलते हैं। इसमें सभी दलहनी फसलें आती हैं, जैसे मूंग है, मोट है, उड़द है, चना है, ये सभी जो दलहनी फसलें आती हैं वो चेस्मोगेमी के अंतर्गत आती हैं। और बाकी जो गेहूँ, जौ, जई, ज्वार ये फसलें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? क्लिस्टोगेमी के अंतर्गत आती हैं। आगे मैं बात कहूँ स्वपरागित फसलें के, स्वपरागण कौन कौन सी फसलों में पाया जाता है, तो जैसे मैं बात करूँ धान, गेहूँ, जौ, जई, टमाटर, मूंगफली और दलहनी फसलों में क्या पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है। अब देखो प्रश्न की बात कहें कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो प्रश्न पूछा जाएगा धान की फसल में किस प्रकार की परागण क्रिया पाई जाती है, तो धान में कैसा परागण पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है। गेहूं की बात करें तो स्वपरागण, तो धान, गेहूं, जौ, जई, टमाटर, मूंगफली, दलहनी फसल, इन सभी में स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। आगे मैं बात कहूँ तो आगे चलते हैं, दूसरा आती परपरागित फसल। अब किसकी बात करते हैं? परपरागित फसल या परपरागण, तो परपरागित फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनमें 5% स्वपरागण और 95% परपरागण पाया जाता है। ऐसी फसलें जिनमें 5% स्वपरागण और 95% परपरागण पाया जाता है उनको हम परपरागित फसलें कहते हैं। कारण की बात कहें कि परपरागण का कारण क्या है, तो यहाँ दो कारण होते हैं, एक तो आता है प्रोटोएंड्री और एक आता है प्रोटोगाइनी। ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रोटोएंड्री अवस्था किसमें पाई जाती है और प्रोटोगाइनी अवस्था किसमें पाई जाती है। तो हम प्रोटोएंड्री की बात करें तो प्रोटोएंड्री ऐसे पादप होते हैं जिनमें नर भाग पहले परिपक्व होता है। प्रोटो का अर्थ है पहले, एंड्री का अर्थ है नर भाग, यानी प्रोटोएंड्री ऐसे पादप होते हैं जिनमें नर भाग पहले परिपक्व होता है। जैसे मैं बात कहूँ मक्का किस प्रकार का पादप है? प्रोटोएंड्री पादप है। आगे हम बात करें प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी ऐसे पादप होते हैं जिसमें मादा भाग पहले परिपक्व होता है। जैसे मैं बात कहूँ बाजरा, अब आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रोटोगाइनी अवस्था किस फसल में पाई जाती है, तो प्रोटोगाइनी पाई जाती है बाजरा में और प्रोटोएंड्री अवस्था मक्का में पाई जाती है। एक प्रोटोएंड्री अवस्था सीताफल में भी पाई जाती है, सीताफल नाम का फल होता है सीताफल, और सीताफल में भी प्रोटोएंड्री अवस्था पाई जाती है। अब देखो मक्का की अगर हम बात करें तो मक्का में दो प्रकार के पुष्प होते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प। तो आपसे प्रश्न पूछता है मक्का में कौन से पुष्प पहले खिलते हैं, तो मक्का में कौन से पुष्प पहले आते हैं? नर पुष्प पहले आते हैं, क्योंकि मक्का में कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्रोटोएंड्री अवस्था पाई जाती है। आगे हम बात करें परपरागित फसलों के प्रकार, जो परपरागित फसलें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। देखो अगर हम दोनों प्रकार की बात करें तो एक तो आता है मोनोसियस और एक आता है डायोसियस। मोनो का अर्थ है एक, यानी एक ही पादप पर दोनों लिंग पाए जाते हैं। डायोसियस का अर्थ है अलग अलग पादपों पर दो लिंग, नर भाग अलग पादप पर पाया जाएगा और मादा भाग अलग पादप पर पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसियस, तो मोनोसियस से आपको एग्जांपल ही पूछेगा कि निम्न में से मोनोसियस पादप कौन सा है, जैसे मक्का है, बाजरा है, आम है, प्याज है, सरसों है, गन्ना है, गोभी है, गाजर है, सूरजमुखी है, अरंडी है, और आपका तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सभी कहाँ आते हैं? परपरागित में आते हैं। और कौन से प्रकार के? मोनोसियस पादप हैं। तो आपसे एक तो प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेगा कि निम्न में से परपरागित पादप कौन सा है, या पूछ लेगा मोनोसियस पादप कौन सा है। तो स्पेशल मोनोसियस पूछा है तो मक्का, बाजरा, आम, प्याज, सरसों, गन्ना, गोभी, और गोभी में दोनों ही आती हैं, पत्ता गोभी और फूल गोभी, गाजर है, सूरजमुखी है, अरंडी है, ये सभी कहाँ आते हैं? मोनोसियस में। अब हम बात करें डायोसियस, डायोसियस ऐसे पादप होते हैं जिनमें अलग अलग पादपों पर नर और मादा भाग पाए जाते हैं। जैसे मैं बात कहूँ पपीता और खजूर, दोनों ही कैसे हैं? डायोसियस पादप में हैं। इन दोनों में नर और मादा पादपों का अनुपात खेत में 10:1 के अनुपात में रखा जाता है। तो जहाँ 10:1 का अनुपात आता है वो सभी पादप कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। तो पपीता और खजूर कैसे पादप हैं? डायोसियस पादप हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लेता है वो कि निम्न में से डायोसियस पादप कौन सा है, तो पपीता और खजूर कैसे पादप होते हैं? डायोसियस पादप होते हैं। आगे हम बात करें
बहुधा परपरागित फसलें, दो प्रकार की हो गई हैं, स्वपरागित और परपरागित। अब वो आता है बहुधा परपरागित फसलें। अब बहुधा परपरागित फसलें क्या हैं? ऐसी फसलें जिनमें स्वपरागण 70-90% होता है और परपरागण 5% से अधिक, और अधिकतम परपरागण होता है वो 30% तक होता है। यानी ऐसी फसलें जिनमें 5-30% तक क्या होती है, परपरागण की क्रिया होती है, उन फसलों को हम बहुधा परागित फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुधा परागित फसलें, जिनमें 5-30% तक परपरागण पाया जाता है। वैसे ही फसलें स्वपरागित होती हैं लेकिन इनमें परपरागण की क्रिया ज़्यादा पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो कपास, भिंडी, ज्वार और बैंगन। कपास, भिंडी, ज्वार और बैंगन। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से बहुधा परागित फसल है, तो कपास, भिंडी, ज्वार और बैंगन कैसी फसलें हैं? बहुधा परागित फसलें हैं। ये सारे प्रश्न आपको सुपरवाइज़र 2021 में पूछे जाएंगे और एक प्रश्न तो 100% पूछा ही जाता है। आगे हम बात करें परागण माध्यम, यानी परागण कौन कौन से माध्यमों द्वारा होता है। तो परागण हवा के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है। जल के द्वारा किस पादप में होता है? जो जलीय पादप होते हैं। कीट के द्वारा भी होता है, जैसे आपको पूछा जाएगा कि आम में परागण किसके द्वारा होता है, तो आम में घरेलू मक्खी के द्वारा होता है परागण, तो ये भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। पक्षियों के द्वारा भी होता है और मनुष्यों के, और पक्षियों और मनुष्यों द्वारा जो सर्वाधिक परागण की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? खजूर में। आपसे पूछा जाएगा कृत्रिम परागण किसके किस फसल में कराया जाता है, तो कृत्रिम रूप से या मनुष्यों द्वारा परागण की क्रिया जो कराई जाती है वो खजूर में कराई जाती है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, खजूर में कृत्रिम रूप से परागण कराया जाता है। आगे हम बात करते हैं एक प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, निम्न में से परपरागित फसल है, निम्न में से परपरागित फसल है, ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मूंग, ऑप्शन डी मटर। धान, गन्ना, मूंग और मटर निम्न में से परपरागित फसल है। तो देखो यहाँ अपना सही उत्तर है गन्ना। गन्ना किस प्रकार की फसल है? परपरागित फसल है। धान की अगर हम बात करें तो धान स्वपरागित है। मूंग और मटर कैसी दलहनी फसलें, दलहनी फसल कैसी होती हैं? स्वपरागित होती हैं। तो सही उत्तर क्या है? गन्ना। गन्ना क्या है? परपरागित फसल है। आगे देखो एक और प्रश्न अपन देख लेते हैं किस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मक्का की फसल में कितने प्रतिशत स्वपरागण होता है? मक्का की फसल में कितने प्रतिशत स्वपरागण होता है? 95%, 90%, 30% और 5% से कम। मक्का की फसल में कितने प्रतिशत स्वपरागण होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मक्का की फसल में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। मक्का में परपरागण पाया जाता है। अब जो परपरागित फसलें होती हैं उनमें 5% या इससे कम क्या होता है? स्वपरागण होता है। तो मक्का में कितने प्रतिशत स्वपरागण पाया जाएगा? 5% या इससे कम स्वपरागण पाया जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे सुपरवाइज़र 2021 में। और ये थी अपनी परपरागण की क्लास, यानी परागण की जो पूरी क्रिया। और आपको जो परागण की जो क्रिया पूछी जाती है वो केवल इन्हीं फसलों में से पूछी जाती है, बाकी इनके अलावा जो भी फसलें हैं उन सभी फसलों में स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। यानी यहाँ मैंने जो फसलें नहीं लिखी हैं उन सभी फसलों में स्वपरागण की क्रिया पाई जाएगी। और यहीं अपन आज की क्लास समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में अपना नंबर टाइप करना। जय हिंद।